डॉक्टर साहब जिंदाबाद, डॉक्टर साहब जिंदाबाद, भगवान के अवतार की जय, भगवान के अवतार की जय। डॉक्टर अब वापस आके तो बहुत खुशी हो रही है। आप नहीं थे ना तो किसी चीज में मन ही नहीं लग रहा था, हम में से किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ओ मंगल भाभी, हमारी हालत अलग थोड़ी ही ना थी, हा? खाना भी कड़वा लग रहा था। और डिंपल ने तो कसम खाई थी, कहती थी कुछ भी हो जाए डॉक्टर को छुड़ा कर लाऊंगी। मेरी डिंपल ने करके दिखाया। आहा, आपकी लड़की मतलब बहुत होशियार है, झांसी की रानी कह सकते उसे। हाँ अरे सरपंच जी, वो वकील भी उसी ने ढूंढा था। अच्छा वकील ढूंढ निकाला तुमने, उसी की वजह से डॉक्टर छूट गए। लेकिन उस वकील से तो मिली कहाँ? अरे बजा, वो कहाँ मिले, उन्होंने क्या किया, क्या ये अभी जरूरी है? मैं छूट गया ये बड़ी बात है ना, और क्या चाहिए था। हाँ हाँ चलो रुक जाओ, तू वाड़े में पैर रखे तो दिखा, तेरा मैं पत्थर से साड़ी फोड़ दूंगी। ये कलमुआ नहीं चाहिए मुझे वाड़े में। अरे आई आप क्या बोल रही हैं, आपको समझ भी आ रहा है? मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ, इस कमीने को है ना मैं वाड़े में बिल्कुल रहने नहीं दूंगी। देखो अजी, वो मेरे पति है, मतलब इस वाड़े के दामाद हैं, और कोई उनकी बेइज्जती करे मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। चलिए फिर तू भी इसके साथ बाहर चली जा, जब बाहर जाके तू धक्के खाने लगेगी ना तब तुझे समझ आएगी। मैं इस कमीने को इस वाड़े में बिल्कुल आने नहीं दूंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं आने देती, अगर इन्हें घर में नहीं लिया ना तो हम सब वाड़ा छोड़कर चले जाएंगे। जाओ अभी के अभी वाड़े से निकल जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेली रह लूंगी। अरे आई आप क्यों अकेली रहोगी बताओ, मैं हूँ ना आपकी बेटी। आई आप तो जानती है ना कि मुझे आपकी कितनी फिक्र रहती है। अब ये वाड़ा मेरे नाम पर कर दीजिए, फिर देखिए मैं कैसे पूरी जिंदगी संभालती हूँ आपको। आई ए, अभी आई का नाम क्यों ले रहा है, बीबी का गुलाम है तू। हाँ मैं गुलाम हूँ, जोरू का गुलाम हूँ। आज तक तुम लोग जो कुछ करते आ रहे हो उसमें सिर्फ हाँ में हाँ मिलाता रहा मैं, और ये सब तमाशा देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर मैं बीमारी में मर गया होता तो अच्छा होता। आई तुम एक काम करना, मेरे दामाद को अगर बाड़े में जगह नहीं है ना तो पत्थर उठाओ मार डाल मुझे, वरना मैं सिर पटक कर जान दे देता हूँ। अरे मैं इतनी भी बेशरम नहीं हूँ कि अपनी बेटे की जान ले लूँ। तो अब रास्ता छोड़ना, हम सबको अंदर आने दे। जाओ कबर खोद लो अपनी, तुम सबकी अकल घास चरने गई है। जब इसकी असलियत तुम सबके सामने आएगी ना तब तुम लोगों को अकल आएगी, तब तुम हो और मैं हूँ। डॉक्टर चलिए आप। डॉक्टर साहब जिंदाबाद, डॉक्टर साहब जिंदाबाद। वकील साहब आपने तो सचमुच कमाल कर दिया, मुझसे जो वादा किया था उससे पूरा किया, मैं बहुत खुश हूँ आपसे। मैं जानती थी केस चाहे कितना भी पेचीदा क्यों ना हो लेकिन आप उस डॉक्टर को बाहर निकाल ही देंगे। संपत लीजिए, ये रहा आपका इनाम। इसकी कोई जरूरत नहीं थी मैडम, लेकिन आप दे रही हो तो। मैडम एक बात बोलूं, आपको जल्दी ही और पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। मेरा मतलब डॉक्टर को छुड़ाकर मैंने आपका काम किया है वो तो ठीक है, लेकिन इस केस को देखते हुए हो सकता है वो डॉक्टर फिर से अंदर जा सकता है, और हर बार उसे छुड़ाने में मुसीबत हो सकती है। मतलब मैडम ये केस मजबूत होने में ज्यादा वक्त नहीं जाएगा। ये सच है मैडम कि ऐन वक्त पर जामकर पीछे हट गया, लेकिन मुझे लगता है इसमें उसकी कोई चाल है। वो इंतजार में है कि डॉक्टर और गहरे दलदल में फंस जाए या उससे कोई और बड़ी गलती हो जाए। अगर एक भी पुख्ता सबूत उस जामकर के हाथ लग गया ना तो वो डॉक्टर पर फिर से कार्रवाई करेगा। मैडम एक फ्री की सलाह दूं? हाँ बोलो। आपका और डॉक्टर का जो भी बिजनेस चल रहा है उसे जल्दी खत्म कर लो, वो जामकर उसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है डॉक्टर ज्यादा दिन जेल से बाहर नहीं रह पाएगा। वो फंसेगा और वो फंसा तो आप भी फंसोगे, होशियार रहना। और मेरे लायक कोई सेवा हो तो जरूर बताना। टेक केयर, गुड डे। अपने आदमियों को बुलाइए।
डॉक्टर की जय हो, डॉक्टर की जय हो। छूट गए डॉक्टर, छूट गए, छूट गए भाई, छूट गए डॉक्टर, छूट गए, छूट गए भाई, छूट गए डॉक्टर, छूट गए। आप कौन है? इंस्पेक्टर साहब, अब ये क्या है नया? प्रेम, आस्था, अपनापन, मोहब्बत इस आदमी के लिए, ऐसा इंसान जग में दूजा नहीं। ऐसा इंसान ना पहले कभी हुआ और आगे भी नहीं होगा। और ऐसे इंसान को मैं जेल भेजना चाहता था, ऐसे इंसान को मैं गिरफ्तार करने जा रहा था, ऐसे इंसान पर मैं अन्याय करने जा रहा था। डॉक्टर साहब, आप छूट गए। ये हार मुझे आपके गले में पहनाने दो, तब मेरे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। अरे वाह, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, लगता है घर में पकवान बन रहे हैं डॉक्टर की वापसी के उपलक्ष में। सर, पूरी बनाई है। वाह 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 डॉक्टर, नसीब वाले हो आप, घर लौटते ही स्वादिष्ट भोजन का आनंद। वाह वाह, अच्छा है ससुराल हो तो ऐसा, ऐसी मेहमान नवाजी और ऐसी हो पार्टनर। पत्नी? वही तो, पार्टनर कहो या पत्नी, एक ही। क्यों डिंपल कपड़े की आई, ठीक कहा ना? हाँ। बाहर हो तब तक भोजन का आनंद लो, बाहर हो तब तक करो मजे। साहब, वो वापस जेल में नहीं जाएंगे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो आप कब तक झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करते रहेंगे? ठीक कहा, परफेक्ट एकदम। वही तो प्रायश्चित करने आया हूँ मैं। ठीक है, चलता हूँ मैं। आप सब खाना खाओ, जी भर के खाना खाओ, पेट भर के खाओ। साहब देखो, घर में इतना अच्छा अच्छा खाना बना है, तो बाहर से कोई चला आता है तो उसे बिना खिलाए भेजने की रीत नहीं है हम लोगों की। आइए खाना खाइए। नहीं नहीं, मुझे इतना आग्रह मत करना, आप खा लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कुछ मुझे। आई ए आई, खाना खाने चलो। अरे आई आई नाम से इतना क्यों चिल्ला रहा है? तेरा तो मैं सर ही फोड़ दूंगी अगर फिर से मुझे आई बोला तो। जीते जी नहीं कदर और मरने पे फूलों की चादर, चिंता दिखाने की जरूरत नहीं, जा अपना पेट भर ले जा। सुनिए, चलिए गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो आ जाएंगी। डॉक्टर चलिए, चल डिंपल। आई, मैं रुक भी जाती आपके लिए, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है और आप जानती है ना, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, मैं थोड़ा खा लेती हूँ। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा बोल के सबका हिस्सा खा जाएगी ये, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ, मेरे लिए भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं, जाओ जाके अपना पेट भर ले। हीरोइन बहुत ही गुस्से में है। तुम तो बात ही मत करो, तुमसे तो है ना गुनहगार को सजा दिलवाना भी नहीं हो सका, पुलिस के कपड़े है ना, जाके दे दे किसी और को। खाम का कुर्सी गरम कर रहा है, मुझे तो लगा था कि तुम कुछ न कुछ करोगे, लेकिन कुछ नहीं, उस कंपाउंडर का कुछ नहीं कर पाए तुम, कोई फायदा नहीं है तुम्हारा, मेरे से उलझने की कोशिश मत करना, मेरे जैसी बुरी औरत दूसरी नहीं है। चिंता मत करना हीरोइन, तुम्हें क्या लगा मैंने इसे छोड़ दिया? इसका पीछा कर रहा हूं मैं, एक ठोस सबूत की तलाश है मुझे, जिस दिन वो मिल गया उसे तुम्हारे हाथों से फांसी पर लटका दूंगा। मुझे तो बहुत खुशी मिलेगी उसको फांसी पे लटकाने में। वो दिन जल्द ही आ जाएगा। डॉक्टर खाओ खाओ, डॉक्टर डॉक्टर खाओ। अरे डॉक्टर, ए कौन है वहां? ए डॉक्टर, अरे बारा। कौन है, कौन चाहिए आपको? डॉक्टर, क्या काम है उनके पास? इन्हें भी इसी वक्त आना था, अगर ये दोनों जाम करके हाथ लग गए तो मेरा पूरा खेल बिगड़ जाएगा। ये देखो आ गए, बात कीजिए इनसे। बोलो कुछ तो बोलो, आप पहले बोलो। कोई बात नहीं, आप बोलो। ठीक है, मैं यहां बैठ जाता हूं, आराम से बात करो। बोलो कुछ तो बोलो।
अच्छा मतलब मेरे सामने बात नहीं करोगे? ठीक है जाता हूं। क्या हुआ? इतना कौन सा जरूरी काम था जो पुलिस के होते हुए यहाँ आ गए? ए, हमें क्या सपना आया था क्या हा? कि वो इंस्पेक्टर यहाँ होगा करके? मैडम ने पैसे मांगे हैं, वो भी अभी के अभी। नहीं मिलेंगे। क्यों? आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अभी अभी मैं जेल से छुटकर आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस का मुझ पर अब ध्यान नहीं है। अगर पुलिस को पता चल गया ना कि तुम एमएलए मैडम के आदमी हो तो उन्हें कितना महंगा पड़ सकता है, समझते हो तुम? रुको, उन्हें फोन करके ही बताता हूँ। नहीं नहीं रुक जाओ, मैडम जान ले लेंगी हमारी, ये जानबूझकर थोड़ी ना कर रहे हैं, उन्होंने ही भेजा है हमें पैसे लेने के लिए। एक काम करना, आपके मैडम से कहना कि कल आ जाऊंगा मिलने। निकलो। उस जामकर को इन पर शक तो नहीं हुआ होगा ना? साहब छोड़ दीजिए ना। क्यों छोड़ दूं? मैंने कुछ नहीं किया सच में। चल तुझे छोड़ देता हूँ। हाँ। ये सांप सीढ़ी का खेल लाया हूँ तुम्हारे लिए। तुम अगर जीत गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सच में? और अगर हार गए तो यही। चल तुम्हारी हरी मेरी लाल, हरी और मेरी लाल। खेल। अरे वाह, पहले ही प्रयास में छे, नसीब वाले हो डॉक्टर के जैसे। वो भी नसीब वाला, तुम भी नसीब वाले। वो बहुत पैसे वाला, तुम कम पैसे वाले। वो भी लॉकअप में, तुम भी बाजू के लॉकअप में। बहुत पैसा है ना डॉक्टर के पास? हाँ मतलब उन्हें कमाने की जरूरत नहीं है, वो कंगनी बाबा के कारण। कंगनी कंगनी हाय, कंगनी कंगनी हाय हाय, कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी। कभी कभी गाता हूँ मैं, मतलब मूड होता है तो गाता हूँ, मूड नहीं होता तो नहीं गाता, अब नहीं गाता तो नहीं गाता। कंटिन्यू। मैं वही कह रहा था कि उन्हें कमाने की जरूरत नहीं है कंगनी बाबा के कारण, उनके पास बहुत पैसे है। वो क्या ना, दूसरों की बहुत मदद करते है तो भगवान भी उन्हें भर भर कर देते हैं। भर भर कर पैसे है ना उसके पास? नहीं मुझे नहीं लगता है, अगर होते तो इतने सादे कैसे रहते। संतुष्ट है वो, भगवान के अवतार है ना। वो तो नटवर है ना? नहीं डॉक्टर है। तो तुम भगवान का अवतार क्यों बुलाते हो? क्योंकि वो हमारे भगवान के अवतार है ना। तो भगवान का अवतार बुलाओ ना, डॉक्टर क्यों बुलाते हो? क्योंकि वो डॉक्टर की तरह दिखते है। डॉक्टर की तरह दिखते है तो कल तुम्हारे जैसा दिखने वाला कोई आ गया तो हम उसे क्या नाम है बुलाएंगे? गड़बड़ है जवाब में, एक जैसा नहीं है, बहके बहके जवाब है। तुम अगर पास हो गए होते ना तो मैं तुम्हें छोड़ देता, अब तो चांसेस बहुत कम है। छोड़िए ना। मैना बाई को न्याय नहीं मिलता, ये दुशासन किसी की सुने ना, सुने ना, ये दुशासन किसी की सुने ना। डॉक्टर अच्छा हुआ आप आ गए। क्यों? अब मुझे आपसे बात करनी थी, अब आप उस एमएलए मैडम से मिले थे ना? तो अब तो क्या, उसी ने आपके लिए वकील दिया था ये तो जानते हैं ना आप? डिंपल तुम मुद्दे की बात करो। डॉक्टर मुद्दे की ही बात कर रही हूँ मैं। देखिए उस एमएलए मैडम को उनके पैसे चाहिए। दे देंगे उसके पैसे, लेकिन अभी तुरंत नहीं दे सकते। क्या मतलब नहीं दे सकते, अभी इतने पैसे तो है ना हमारे पास। देखिए डॉक्टर मैंने उस मैडम को जुबान दी है। हाँ तुम्हें जुबान देने के लिए किसने कहा था? जुबान नहीं दी होती ना तो आप अभी जेल के अंदर होते और मैं स्वर्ग में होती। मेरे मुँह के सामने पिस्तौल रखी थी उसने, ये देखिए डॉक्टर आपको उनके पैसे देने पड़ेंगे, मतलब देने ही पड़ेंगे। तुम शांत हो जाओ, करते हैं कुछ, उसके पहले हम दोनों का फायदा कैसे होगा ये भी देखना पड़ेगा ना। इस फायदे के चक्कर में हम दोनों की जान ले लेगी वो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं कल ही उससे मिलने जाऊंगा, फिर तो ठीक है ना? ठीक है, उनसे मिलो और उनसे कहो अगर मैं आपके पैसे नहीं दे सका ना तो मेरी बीवी के नहीं मेरे सिर में गोली मार देना। हाँ ये क्या किया तुमने? बोल ये क्या है? बाप को भूल गया? इसके सामने मेरी छोटी फोटो लगाई, इसके सामने मेरी छोटी फोटो लगाई।
ये क्या किया? अरे कौन है ये? इसे एमएलए मैंने बनाया है, मेरे बलबूते उछलती है, और तू इसके सामने मेरा छोटा फोटो लगाता है। साहब मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन साहब वो एमएलए है इसीलिए मैंने ऐसा किया। साहब मुझे इस बार माफ कर दीजिए ना साहब। दोबारा गलती हुई ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, चल जा। आपने ही कहा था ना छोटा फोटो लगाने को। आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं ऐसा क्यों कहूंगी? मैं तो सिर्फ इलेक्शन के लिए पैसों का इंतजाम करो, राजनीति मुझ पर छोड़ दो। आप सिर्फ प्यादा हो, किंग मेकर मैं हूँ, ये याद रखना। अगर इलेक्शन के लिए पैसे जमा नहीं हुए तो आपके एमएलए पद का इस्तीफा लेने के लिए पार्टी से मैं कह दूंगा। ये ध्यान में रखो और काम पर लग जाओ। ए संपत, ये बैनर दिखाई नहीं देना चाहिए, नया छपवाओ। ठीक है। उस डॉक्टर ने अगर पैसे नहीं दिए तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। उससे पैसे लिए बगैर छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। मेरे पैसे कहाँ हैं? मुझे मेरे पैसे चाहिए। तुम्हें इसीलिए बाहर निकला है, जानते हो ना तुम? मैडम, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। वो ऐसा बोर्ड पढ़ा मैंने रास्ते में। ठीक कह रहे हो तुम। तुमने अगर पैसे देने में जल्दबाजी नहीं की ना तो बहुत बड़े संकट में फंस जाओगे, जान से जा सकते हो तुम। मैडम, यहाँ अमर कौन हो सकता है? यहाँ आने वाले हर एक को एक ना एक दिन जाना ही होता है। आप बहुत टेंशन ले रही हैं, बहुत गुस्सा कर रही हैं, थोड़ा शांत हो जाइए। शांत कैसे हो जाऊं? अगर इलेक्शन के पैसे जमा नहीं किए तो मुझे टिकट भी नहीं मिलेगा। मेरी एमएलए की सीट खतरे में है और तुम मुझे कहते हो शांत रहो। मैडम, क्योंकि हड़बड़ाहट में लिए गए फैसले गलत साबित होते हैं। देखिए, अगर मुझे आपके पैसे नहीं देने होते तो मैं यहाँ आता ही नहीं। क्या मैं आता यहाँ? वैसे तो मैं यहाँ आपके फायदे की बात करने आया। आपने जो मुझे पैसे दिए वो मैं किसी और जगह इन्वेस्ट करके आपका और फायदा करा सकता हूँ। ए, मुझे तुम्हारा फायदा नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। हाँ, मत भूलना कि मैंने तुम्हें छुड़ाया है। ये फायदे का झांसा देकर मुझसे खेल मत खेलना। तुम्हें फिर से जेल में भिजवाने में मुझे जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा, समझे? मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी क्या भी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, चलता हूँ। ये यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं काम के सिलसिले में मैडम से। तुमसे पूछा मैंने? ये मैडम पत्नी है मेरी, उसके बाद एमएलए, इसलिए उनसे मिलने के पहले मेरी इजाजत लेनी होगी, समझ गए? तुम्हारी पूरी कुंडली मेरे पास है, तुम क्या चीज हो वो मैं अच्छे से जानता हूं, इसीलिए मेरी पत्नी से दूर रहना। हमारे साथ कोई खेल मत खेलना, वरना तुम्हें कब, कहां और कैसे पहुंचा दूंगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। चलो निकलो। ये पैसे तो बहुत कम हैं। अगर एमएलए मैडम को इतने ही दिए ना तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। कितने लालची हैं ना डॉक्टर आप, अपनी जान पर बनाई है फिर भी पैसों का लालच कम नहीं होता। अरे हमारे पास इतने पैसे हैं तो उसमें से एमएलए मैडम को दे दिए तो क्या होगा? टिंपल, अगर हमारे सारे पैसे उसे दे दिए तो हमारे पास क्या बचेगा? फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी हमें। अच्छा, तो अब क्या करने का सोचा है आपने? नाम्या, नाम्या को जल्द से जल्द जेल से बाहर निकालना पड़ेगा। उसकी क्रेडिट सोसाइटी से ही अब कुछ जुगाड़ हो सकता है।
डॉक्टर, इस सोनू का खून वो शादी के लिए डॉक्टर के पीछे पड़ गई इसलिए हुआ था या उसकी प्रॉपर्टी के लिए हुआ था? जरा इसकी जानकारी निकालो साहब। साहब नमस्ते। आज साथ में किसी को नहीं लाए? पेट्रोल का कैन, माचिस, ये सब कहाँ है? इस सब की क्या जरूरत है, डॉक्टर तो छूट गए ना। तो अब क्या काम है हमारे पास? साहब वो मेरा जो दोस्त है ना नामिया, वो यहाँ लॉकअप में है, उससे थोड़ा मिलना था, इसलिए मिल लूँ क्या उससे जल्दी से? क्यों? जब से उसे गिरफ्तार किया है मेरा मन ही नहीं लग रहा उसका। हमारे बगैर दूसरा कोई नहीं है, हम ही उसका परिवार है। उसे थोड़ा मिल लूँ, बात कर लूँ, उसे अच्छा लगेगा। मिल लूँ उसे। तुम्हारी बॉडी अच्छी है। पहलवान हूँ मैं गाँव का। हाँ। कितने जोर लगा सकते हो? 100। 150 जोर लगाओ। 100 तुम्हारे और 50 दोस्त के लिए। 1, 2, 3, 4। सचमुच आपने बड़ा एहसान किया। मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे बाहर निकालिए, मुझे जाने दो। नामिया। ओ नामिया सेठ। बजिया बजिया, तू यहाँ? तुमने अपनी कैसी हालत बना ली है नामिया? तुम्हें पुलिस वाले मारते तो नहीं है ना? नहीं मतलब परेशान तो नहीं करते ना? हाँ? अरे बोल। नहीं मारते नहीं है। ठीक है। गांव वालों की याद आती है, तेरी भी याद आती है, वजह कैसा है तू? कैसा हो सकता हूँ गधे, बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ मैं। बचपन से हमारी दोस्ती है नामिया, तुम नहीं हो तो गांव जैसे सुना सुना लगता है मुझे। मेरी भी ऐसी हालत है, मुझे नहीं लगता ये लोग मुझे जल्दी छोड़ेंगे। डॉक्टर छूट गए लेकिन मैं फंसा हूँ बजिया। जब क्रेडिट सोसाइटी शुरू की थी तब लगा आई को मुझ पर गर्व हुआ होगा, लेकिन वही क्रेडिट सोसाइटी ने मुझे बदनाम कर दिया बजिया। अच्छा वह आई जिंदा नहीं है, अगर ऐसी हालत में मुझे देखती ना तो उसकी जान चली जाती। कैसी बात कर रहा है तू, पागल हो गया क्या गधे? मौसी जिंदा होती तो तुम पर विश्वास नहीं करती। हाँ हमें विश्वास नहीं है तुम पर। अरे गांव के एक भी आदमी का 1 रुपए का नुकसान तक नहीं होने दिया तूने, तेरी कोई भी गलती नहीं है। नहीं अब कुछ भी हो जाए हम तुझे छुड़ाएंगे, मतलब छुड़ाएंगे ही, बजरंग बली की कसम। नहीं छूटूंगा मैं, कसम छोड़ दे। ए, अब कसम छूटेगी जब तुझे यहाँ से निकालूंगा। दोस्त हिम्मत मत हारना, पूरा गांव तेरे साथ है, मैं भी तेरे साथ हूँ। नहीं हम तुझे यहाँ से छुड़ाएंगे, मतलब छुड़ाएंगे ही। एक ही साहब, बड़ा एहसान हुआ आपका, दिल से कहता हूँ। ये ऐसे एहसान मैं बार बार नहीं करता। तुम उस डॉक्टर के झांसे में आकर जो कुछ कर रहे हो ना, आंदोलन वगैरह, बंद कर दो। तुम्हारे भी बीवी बच्चे हैं, ये भूल मत जाना, वरना जाओगे अंदर नामे के साथ। बस क्या साहब, अब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो डर कैसा? नहीं नहीं नामिया ने भी कुछ नहीं किया है, आपसे भूल हो रही है साहब। गांव के एक भी आदमी ने नामिया के खिलाफ कोई कंप्लेंट ही नहीं की है, वो सिर्फ आपके हवलदार ने ही नामिया के खिलाफ कंप्लेंट की है, और वो आपको वापस लेनी पड़ेगी, मतलब लेनी ही पड़ेगी। अरे वाह, तुम भी आदमियों को साथ लेकर आने लगे। खम्मागण, वो क्या है ना कि हम गांव वाले एक दूसरे से प्रेम करते हैं, भरोसा करते हैं, आप नहीं समझ पाओ। हवलदार साहब यहाँ आइए, यहाँ आइए। आपने नामिया की क्रेडिट सोसाइटी में पैसे 5 गुना करने के लिए दिए थे और नामिया ने वो आपको वापस नहीं किए, यही आपकी कंप्लेंट है ना? हाँ। इधर आओ, ये जो है ना नामिया की क्रेडिट सोसाइटी का क्लर्क है, तुम खुद पैसे दे दो इन्हें,
पांच गुना पैसे दे रहे हैं, पांच गुना। आपको आपके पैसे मिल गए? हाँ। अब तो आपकी कोई कंप्लेंट नहीं है ना? नहीं। तो बात खत्म हो गई। देखिए साहब, जिस बात के लिए आपने नाम्या को गिरफ्तार किया था वो बात ही खत्म हो गई, कंप्लेंट ही नहीं है। छोड़ दीजिए हमारे नाम्या को। एक के ही पैसे मिल गए हैं, बाकियों का क्या? जिसको पैसे चाहिए वो आकर कंप्लेंट करे, तुरंत पैसे मिल जाएंगे। स्कीम चल रही है यहाँ। सब नाम्या को हम उसके बचपन से जानते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। नाम्या छूट जाएगा तो हमें हमारे पैसे मिल जाएंगे, ये हम जानते हैं। भाग गए तो? अरे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हाँ हम लोग है ना, इंसान को पहचाने में गलती नहीं करते साहब। देखिए साहब, नाम्या के खिलाफ अब किसी की भी कंप्लेंट नहीं है, और कंप्लेंट के बगैर किसी को भी हवालात में रखना कानूनन जुर्म है। छोड़िए उसे। नाम्या। डॉक्टर। अरे क्या कर रहे हो नाम्या? आपने जो वादा किया था वो पूरा किया डॉक्टर, अब सच में भगवान के अवतार हो। ये आप मुझसे कहोगे, मैं आपको रोकूंगा नहीं। बाकी ठीक हो ना तुम? भगवान का अवतार। ए, निकलो बाहर। ए, भगवान का अवतार, तुम्हें लग रहा होगा कि तुम छूट गए, लेकिन वो तो प्रैक्टिस मैच थी। असली खेल तुम्हें जल्दी ही दिखाऊंगा। साहब कैसी बातें करते हो आप। ठीक है चलता हूं, ख्याल रखिएगा। डिंपल, डिंपल, अरे मैं क्या कह रही थी, मतलब मैं नहीं, दीदी कह रही थी कि उस इंस्पेक्टर ने डॉक्टर के पास से घूस मांगी थी, वैसे कोर्ट में भी कबूल किया है, और डॉक्टर के पास उतने पैसे हैं ये मुमकिन नहीं है, दीदी ने ऐसा भी कहा, और वो इंस्पेक्टर डॉक्टर के छिपाए हुए पैसे ढूंढने आया था। मम्मी ये बुआ आपके कान भर रही है और आप उनकी सुन रही हो? अरे डॉक्टर तो भगवान के अवतार है, वो ऐसा क्यों करेंगे? लेकिन डॉक्टर के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। डिंपल रुक जरा, मुझे सच सच बता, तुम दोनों हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? डॉक्टर किसी गलत काम से तो नहीं पैसे कमा रहे हैं ना? मम्मी आप क्या बोल रही हैं और किसके बारे में बोल रही हैं ये तो सोचो जरा। ये बात अगर डॉक्टर ने सुन ली ना तो वो वाड़ा छोड़कर चले जाएंगे। अरे वो कल आया हुआ इंस्पेक्टर, आप उन पर भरोसा कर रही हैं? आपको डॉक्टर पर भरोसा नहीं है? अरे मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी, मैंने जो सुना वही बताया ना। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही गई थी ना कोर्ट में, उस जामकर ने डॉक्टर से माफी मांगी ये नहीं बताया बुआ ने? अरे डॉक्टर ने हमारे लिए इतना कुछ किया, इस वाड़े के लिए इतना कुछ किया है, फिर भी आप उन पर शक कर रही हैं? और इतना तो सोचती ना कि वो इस वाड़े की दामाद है। डिंपल ऐसा कुछ भी मेरे मन में नहीं आया था, बस मुझे फिक्र हो रही थी। रहने दीजिए, हाँ जानती हूँ कितनी फिक्र है आपको, इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इतनी देर हो गई, अभी तक आए क्यों नहीं? कहाँ चले गए होंगे? फोन करूं क्या? नहीं रहने दो, इनको मेरी फिक्र कहाँ समझ में आती है, उल्टा मुझ पर ही चिल्लाएंगे। इन्हें जब आना होगा तब आ जाएंगे, मैं जाकर सो जाती हूँ। आइए सर, आइए आइए, अंदर आइए। रुको, घर में नहीं, यही बात करते हैं। इस बार के चुनाव को आप हल्के में मत लेना, अपोजिशन वाले पूरी ताकत के साथ उतरे हैं, वैसे भी पिछले 5 सालों में दिखाने जैसा कोई अच्छा काम हमसे हुआ ही नहीं है, इसलिए मतदाताओं को हमारी तरफ आकर्षित करने के लिए इस बार पैसों की बारिश करनी पड़ेगी। मैंने ऐसा सुना है कि अपोजिशन वालों ने खर्चे की सारी तैयारी पहले से ही कर रखी है, अपना क्या है? अपना चल रहा है ना, हो जाएगा। हो जाएगा मतलब कब होगा, कब करने वाले हैं आप? टिकट चाहिए ना? इस बार पार्टी मेरी पत्नी की जगह मुझे टिकट दे, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। प्रचार का मैं देख लूंगा, पैसों का बंदोबस्त करने के लिए मैंने अपनी पत्नी से कह दिया है। अच्छा फर्ज करो कि अगर वो नहीं कर पाई तो? नहीं कर पाई तो मैं उसकी जान ले लूंगा, कुछ भी करके पैसे जमा करूंगा, आप इस बात का टेंशन मत लीजिए, सिर्फ वो मेरे टिकट का देख लेना। बिल्कुल। डॉक्टर जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा,
घर वालों को अब आप पर शक होने लगा है। क्या, किसे शक हो रहा है? मम्मी को। वो मुझसे कह रही थी कि डॉक्टर कुछ काम नहीं करते हैं, तो उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं और पैसे कैसे कमाते हैं। उस जामकर ने आपसे घूस मांगी थी ना, मतलब डॉक्टर के पास तो पैसे होंगे, ऐसा शक हुआ है उन्हें। तो तुमने क्या कहा? मैं क्या कहूँगी, मैंने कुछ बहाना बनाया और बात टाल दी उनकी। लेकिन डॉक्टर अब मुझसे रोज रोज नहीं होगा, जो जमीन का सौदा है उसे आप पूरा कर लीजिए और इस बात को खत्म कीजिए। ठीक है, बाद में बात करेंगे, मुझे कुछ जरूरी काम है। क्या काम है? है कोई जरूरी काम? क्या काम है डिंपल, हर बात का जवाब देना जरूरी है क्या? हाँ, क्योंकि मैं आपकी पार्टनर हूँ, इसीलिए आपको मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। पिछली बार जब सोनू को पिकनिक ले गए, वहाँ वो बेहोश हो गई थी, ये बात बताई आपने मुझे? इसी वजह से कोर्ट में मेरी कितनी बेइज्जती हुई, इसलिए अभी आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो मुझे सच सच बताइए। देखो, बात कहने लायक होती, जरूरी होती तो बता देता। जरूरी नहीं है ना, तो मैं आपके साथ चलूंगी। डिंपल, तुम वहाँ आकर क्या करोगी? किसी को शक हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और आपने प्रॉब्लम खड़ा किया तो मुझे निपटना पड़ता है, इसीलिए कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ चलूंगी। डिंपल, मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता। मुझे भी कहाँ बहस करनी है आपसे, मैंने एक बार बोल दिया ना कि मैं आ रही हूँ। चलो। अरे हम यहाँ क्यों आए हैं? आप यहाँ गड्ढा क्यों खोद रहे हो? सोने के बिस्किट, डॉक्टर किसी ने देख लिया तो ले जाएंगे। चलो जल्दी। रुको रुको, इधर ही रुको। ये सब क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर, ये फूलचंद सेट है ना? मतलब ये सोने के बिस्किट निकालेगा और वहाँ पर पैसे रख देगा। ओ, क्या बात है। ये मेरा जाल है। कल को अगर पुलिस को सोने के बिस्किट मिल भी गए ना, तो इसके पास मिलेंगे, मेरे पास नहीं। इतना अच्छा मौका है तो आप ऐसे एक एक करके बिस्किट क्यों रख रहे हैं? आपको पता है ना कि पुलिस आपको नहीं पकड़ेगी, तो बड़ा हाथ मारने में क्या अर्ज है? बोल दिया जो बोलना था। अगर तुम्हारे दिमाग से चलने लगे ना, तो तुरंत गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। मैडम, आपने बुलाया? आप किसके लिए काम करते हैं? आपके साथ। तो फिर जो बातें मुझे आपसे पता चलनी चाहिए, वो बाहर से कैसे पता चलती है? पार्टी में क्या बातें हो रही है टिकट्स को लेकर? मैडम, कैसी बातें? कैसी बातें? आपको सच में मालूम नहीं है या आप मुझे बताना नहीं चाहते? देखो संपत, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, हमें छोड़कर। इसीलिए जल्दी से बताओ कि क्या बातें चल रही हैं। हम जानते हैं आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, जल्दी बोलिए, बोलिए जल्दी। इस बार आपको टिकट ना मिले ऐसी कोशिश कर रहे हैं साहब। वो तो मैं भी जानती हूँ, इस पर आपकी राय क्या है? मैं अंदर आ सकता हूँ? पैसे लाए हो तुम? हाँ। इतने ही? मैंने तुम्हें कितने सोने के बिस्किट दिए थे, उसके आधे भी नहीं है ये। नहीं मैडम, वो मेरे पास बहुत कम समय था, इतने समय में इतना ही मुमकिन हुआ, मुझे और थोड़ा समय लगेगा। तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें कुछ समझ में आता है? समय नहीं है मेरे पास, एक तो टिकट। संपत, बैठो। मैडम, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, आपका चेहरा देखकर पता चल रहा है कि आपके मन के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। किससे बात करूं, किसके साथ शेयर करूं, क्या ये समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, शायद ऐसा नहीं होगा, मुझे बस देखकर लगा। सिर्फ 22 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी। जब मेरी शादी हुई तब मेरे पति कॉर्पोरेटर थे, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि शादी के बाद भी वो पॉलिटिशियन ही बनकर रहेंगे, कभी मेरे पति नहीं बन पाएंगे। उनकी सत्ता की लालच
धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि मुझे अपनी पत्नी का और उनके हाथ का प्यादा समझकर इस्तेमाल करने लगे, राजनीति के लिए मेरा इस्तेमाल करने लगे, और मैं ये सब कुछ चुपचाप सह भी रही थी। यहाँ की सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है ये बात जानने के बाद मेरी इच्छा ना होते हुए भी चुनाव लड़ने के लिए मुझे मजबूर किया और मैं एमएलए बन गई। वैसे तो लोग सोचते होंगे ना, ये एमएलए है, इसे किस बात की कमी। लेकिन मैं कभी भी राजनीति में आना नहीं चाहती थी। मेरा एक छोटा सा घर संसार हो, अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करूं, उन्हें अच्छे संस्कार दूं, यही मेरी छोटी और सीधी सादी इच्छा थी। लेकिन ऐसा है ना डॉक्टर, जहां इच्छाएं होती है वहां इच्छाएं अधूरी भी रह जाती हैं। नियति ने ऐसे ही मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया मुझे। अब इस राजनीति की आदत पड़ गई है, राजनीति से दूर रहूं तो कोई मेरे साथ राजनीति करेगा ऐसा लगता है। अब यहाँ इस घर में थोड़ा रिस्पेक्ट मिलने लगा है। अब वो गवा कर मैं फिर से अपने पति के हक का प्यादा नहीं बनना चाहती। डॉक्टर, ये सब टालने के लिए मुझे पैसों की कितनी जरूरत है ये पता चल गया होगा तुम्हें। तुम्हारे कहने पर पूरा गांव खड़ा हो जाता है, क्रेडिट सोसाइटी हाथ में है तुम्हारे। तुम एक ऐसे अकेले इंसान हो जो मेरा एमएलए बनने का सपना पूरा कर सकते हो। मैडम, मुझे आपकी मदद करना अच्छा लगेगा, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? फायदा? तुम फिर से जेल जाने से बच जाओगे और पुलिस हमेशा तुमसे दूर रहेगी, यही तुम्हारा फायदा है। मैडम, समझ लीजिए कि आप एमएलए बन गए, जबान देता हूं। तो डील पक्की समझो? एकदम पक्की। गाड़ी में बैठो। नहीं, रहने दो साहब, मैं खुद चला जाऊंगा। तुम्हें घर छोड़ने के लिए बैठने को नहीं बोल रहा हूँ। मैं लिफ्ट दूँ इतनी हैसियत नहीं है तुम्हारी। तुमसे बात करनी है, अंदर बैठो। वो देखिए मैडम, ये गाड़ी में क्यों बैठ गए? बाहर जाओ। कैसे डील चल रही है मेरी पत्नी के साथ? क्या पूछ रहा हूं मैं? वो मैं उन्हें पैसे डबल करके देने वाला हूं। ऐसे खेल मैं बहुत खेल चुका हूं, मेरे साथ राजनीति मत करना। राजनीति में यहां तक यूं ही नहीं पहुंचा हूं मैं। वो मेरी पत्नी है और एमएलए भी है। उसकी तरफ अगर बुरी नजर से देखा ना तो तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दूंगा, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। तुम्हारे आसपास के लोग सोचते रहेंगे कि तुम्हारा आखिर हुआ क्या। अरे साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं क्यों उन्हें बुरी नजर से देखूंगा? गांव के लोग मुझे भगवान का अवतार मानते हैं। कितने अमाउंट की डील हुई है और कैसे, वो बताओ। तुम्हारी फालतू की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। वो अभी तक कुछ तय नहीं हुआ। तुम्हें एक बार बताया तो समझ में नहीं आता? राजनीति में आज नहीं आया, बताओ कितने परसेंट देने वाली है वो तुम्हें? 4। मैं तुम्हें 10 दूंगा। 10। वो जो कुछ भी करेगी वो मुझे बताना होगा। साहब, समझ लीजिए आपका काम हो गया। मैडम, एक बात कहूं? कहो। आजकल आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही हैं। मतलब पहले कभी आपको इतना इमोशनल होते देखा नहीं ना। संपत, इमोशंस हर इंसान में होते हैं, लेकिन ये राजनीति इंसान को अपने इमोशंस बाहर ही नहीं निकालने देती। सच कहा आपने। मैं इमोशनल थी लेकिन शातिर कभी नहीं थी, और क्रूर तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस राजनीति में आने के बाद कब ऐसी बन गई पता ही नहीं चला मुझे। राजनीति तो कीचड़ है, और इस कीचड़ में साफ सुथरी कैसे रह सकती है? लेकिन मैडम, आपको तो राजनीति में आना ही नहीं था। हाँ, नहीं आना था, लेकिन अब राजनीति से बाहर नहीं जाना चाहती, क्योंकि जब तक मेरे पास एमएलए की कुर्सी है तब तक मेरे पति मेरा बाल तक बांका नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही मैं इस कुर्सी से नीचे उतर जाऊंगी, वो मेरे साथ क्या करेंगे ये कह नहीं सकते। लेकिन साहब,
देखिए मैं एकदम सीधा साधा आदमी हूँ, एमएलए मैडम ने मुझे कुछ कर दिया तो। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरा प्रोटेक्शन दूंगा। उसे जितने पैसे देने वाले हो मुझे दे देना। कोई बात, लेकिन साहब एक बात मेरी समझ में नहीं आई, मतलब मैं पैसे उन्हें दूं या आपको दूं? आखिर में आएंगे तो आप ही के घर में, प्रचार के लिए ही इस्तेमाल करोगे ना आप? हाँ, मेरे प्रचार के लिए। मैं नहीं चाहता कि वो इस बार एमएलए बने। जब तक मैं एमएलए ना बन जाऊं तब तक शांत नहीं बैठूंगी। उसके लिए कितने भी पैसे खर्च करने पड़े हम करेंगे, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन मैडम, इसीलिए उस डॉक्टर पर भरोसा करना ठीक रहेगा क्या? मुझे तो वो भरोसे के लायक नहीं लगता है मैडम। मुझे भी कहां लगता है, लेकिन इस राजनीति की शतरंज में एक मोहरा आगे बढ़ना ही पड़ता है। उसने हमें जीत दिलाई तो वो हमारा, और अगर उसने हमारे साथ दगाबाजी की तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन ये प्यादा शातिर, ये मुझे दोबारा एमएलए की सीट पर जरूर बिठाएगा, तुम देख लेना। इस बार भी इस क्षेत्र की एमएलए सिर्फ एक ही व्यक्ति होगी, और वो है एमएलए देवयानी गायकवाड़।